बलात्कार के आरोपी चिन्मयानंद को गिरफ्तार करो, बिजली कीमतों की बढ़ोतरी वापस लो, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन वापस लो आदि मांगों को लेकर भाकपा माले ने निकाला है मोर्चा। भाकपा माले लखनऊ इकाई ने 20 सितंबर को परिवर्तन चौक से हजरतगंज होते हुए विधानसभा के पास स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा तक विरोध मार्च निकाला। जुलूस के दौरान लोग बलात्कार के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार करो, मोदी योगी सर करो, बलात्कारियों का संरक्षण बंद करो, बिजली कीमतों में हुई बढ़ोतरी वापस लो, लोकतंत्र पर हमले बंद करो। जुलूस का नेतृत्व भाकपा माले राज्य सचिव कामरेड सुधाकर यादव, लखनऊ के जिला प्रभारी रमेश सिंह संगर, राज्य कमेटी सदस्य राधेश्याम मौर्य, राज्य कमेटी सदस्य व एपबा की लखनऊ संयोजक मीना सिंह ने किया। अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए कामरेड सुधाकर यादव ने कहा कि मोदी योगी सरकार लोकतंत्र की हत्यारी व गरीब मजदूर विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों आदिवासियों पर हमला बोल दिया है, प्रदेश में आदिवासियों गरीबों की हत्याएं करा रही है, गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों, रिहायशी व जीवन यापन की जमीनों से जबरिया उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार अपराधियों व भूमाफियों का संरक्षण नहीं करती तो सोनभद्र के आदिवासियों के जनसंहार को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि मोदी योगी सरकार गरीबों के ऊपर एक तरफ टैक्स का बोझ बढ़ा रही है, उनके कल्याण के लिए होने वाले खर्चों में कटौती कर रही है, वहीं दूसरी ओर कॉरपोरेट घरानों के लिए देश का खजाना लुटा रही है और टैक्स में भारी छूट दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 व 33 से हटाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया व संविधान को ताक पर फैसला लिया, उसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि आज का यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि जनता मोदी योगी सरकार को बख्शने को तैयार नहीं है, देश व लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। सभा को संबोधित करते हुए कामरेड रमेश सिंह सेंगर ने कहा कि योगी शासन अपराधी गुंडा तंत्र में बदल गया है, सरकार जिस तरह अपराधियों के संरक्षण में खुलकर खड़ी हो रही है उससे आमजन आहत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी ने मनमाने तरीके से बिजली कीमतों में बढ़ोतरी की है, यह दिखाता है कि योगी सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है। सभा को सामाजिक कार्यकर्ता नायक हसन एक्टू, जिला संयोजक मधुसूदन मगन, निर्माण मजदूर यूनियन के जिला सचिव कामरेड नौमीलाल आदि लोगों ने संबोधित किया। सभा का संचालन इनोस के प्रदेश महासचिव राजीव गुप्ता तथा अध्यक्षता पूर्व रेल मजदूर नेता ने की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से टाइम सिटी न्यूज के लिए कलिंग इकबाल की रिपोर्ट।